शरीयत का किस कदर खून बहाया जा रहा है। आज हराम की तरफ मैंने यही कहा है कि पैसा वो कमाए, शरीयत इजाजत देती है जो हलाल हो। रिश्वत का जमा हुआ किया हुआ पैसा ये आपके लिए वबाल है, आपकी नस्लों के लिए वबाल है, आपकी कब्र के लिए वबाल है, और कयामत के मैदान में यही पैसा तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगा। क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम की यह हदीस पाक नहीं सुनी, जिसके पेट में हराम का एक लुकमा जाता है 40 दिन तक उसका कोई सजदा कबूल नहीं होता, कोई इबादत कबूल नहीं होती। जिनके पूरे लिबास हराम के हैं, जिनके पूरे घर हराम के बने हुए हैं, उनकी इबादत क्या है, उनके सजदे क्या है, इबादतों में नूर कहां से आए, जबकि हमारी पाकी हमारी सुथराई नहीं है रिस्क के अंदर, हमारा रिस्क मशकूक नहीं है, बल्कि हमारा रिस्क प्योर हराम भी होता है, तो हम लुकमे और नवाले तरले लेकर मजे मजे से खा रहे होते हैं। अल्लाह पाक इस उम्मत को हिदायत अता फरमाए। ये दो भाई हैं, एक भाई फौत हो गया, और वो भाई जो फौत होता है अपनी बेवा छोड़ गया और अपने छोटे छोटे यतीम बच्चे छोड़ गया। दूसरा भाई बजाय इसके कि अपनी अपनी भाभी की सरपरस्ती करे, अपने बच्चों अपने भतीजों भतीजियों को अपनी औलाद की तरह पाले कि उनके सर से सायबाएं और साया उठ गया, दूसरा भाई उन यतीमों का माल हड़प कर जाता है, उनका हिस्सा मकान से जब्त कर जाता है, जमीनों से जब्त कर जाता है, ये यतीमों का माल खाना, अरे शरीयत मुताहरा ने तो यतीमों के सरों पर हाथ रखने का हुक्म दिया है। फरमाया मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने, यतीम की परवरिश करने वाला और मुस्तफा करीम ने इस तरह दो उंगलियों को जोड़ा, फरमाया हम जन्नत में यूं इस तरह यकजा होंगे। मेरे आका पाक तो यतीमों के सरों पे हाथ रखने की बात कर रहे हैं, यहां यतीमों का माल खाया जा रहा है। भाई तू कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। अरे ये मुसलमान है जिसे देख कर शर्माए यहूद, ये तो माल बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसको माल चाहिए, माल चाहे बेटी का हक भी गसब करना पड़े। बेटे दबा जाते हैं, भाई दबा जाते हैं, बेटियां कहां जाए, किससे फरियाद करें, हमारे जमीनों से हक दो, हमारा मालों से, हमने जहेज दे दिया, वो जहेज तुम्हारा तोहफा था जो तुमने दे दिया है, वो हक नहीं था जो तू दबा के बैठा है। 1 लाख का जहेज देता है और 20 लाख की जायदादें खा जाता है, अरे ये जुल्म कब तक होता रहेगा? अरब के मुआशरे जाहिल मुआशरे के अंदर भी यही कुछ होता था, और आज इस पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए। ये तो एक माल का सुकम है कि माल की मोहब्बत में आज हम क्या क्या कर रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, गंद बेच रहे हैं, बीमारियां फिरोख कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, 2 नंबर दवाइयां बेची जा रही हैं, खाना पीना हर चीज में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर माल बिक रहा है, ये 2 नंबर 3 नंबर ये मिलावट वाला 2 नंबर चीजें कहां से आ गई हैं? ये बीमारियां हैं, लोगों की जानों से खेला जा रहा है, पैसा चाहिए इसको, पैसा चाहिए। अरे पैसे की मोहब्बत में अंधे हो जाने वालों, खुदा का खौफ ना रखने वालों, रसूल पाक शरीयत को ठुकराने वालों, याद रखो एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, मरना है, कब्र में जाना है, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तेरी 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 मिलावटों की वजह से, तेरी दो नंबरियों की वजह से जितने मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, खून हो रहा है, बीमारियां फैला रहा है, कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, बुरी तरह फंस जाएगा। अल्लाह पाक हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए। ये तो मैं एक माल की बात करने बैठा और बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दोस्तों मा आताकुम रसूल फखुसू हो वमान हाकुम अन्हु फन्तहु। मेरा नबी तुम्हें जिस काम का हुक्म करे वो काम करो, जिस काम से मना करे उस काम को छोड़ दो। हुजूर ने हलाल की तालीम दी है, हलाल की तालीम दी है, हलाल हलाल कमाओ, रुखी सुखी हो, हलाल की होनी चाहिए, हलाल की होनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह इज्जतें कायम रखे, रुखी सुखी हो लेकिन हलाल की होनी चाहिए। अरे हराम से कुछ नहीं बनता सिवाय जहन्नम के, सिवाय खुदा के कहर गज़ब से। आइए मैं एक और बात आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपको अर्ज किया कि जिसके पेट के अंदर एक हराम का लुकमा चला जाए 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हम कहेंगे जनाब हराम भी खाएंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी हालत है मुसलमानों की। आज कितने मुसलमान हैं जिनके कानों तक अजान जाती है और वो मस्जिद में आकर के नमाज बात जमात अदा करते हैं। मैं हाथ उठवाऊं तो शर्मिंदगी होगी, अगर मैं पूछूं कि 5 वक्ता नमाजी कौन कौन है तो यकीनन शर्मिंदगी का सामना होगा। लेकिन यह मत भूलना, अभी अगर मैं
मैं ये कर नहीं रहा। बिलफर्ज मैं कहता हूं कि वो लोग यहां पे खड़े हो जाएं जिनने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो कितनी शर्मसारी होगी मेरे उन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है। लेकिन क्यों भूलते हो, यहां तो 2-3-4-5 सौ का मजमा है। कयामत के मैदान में अव्वलीन और आखिरीन हो।